हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ मोर एफ की 5% मिनोक्सिडिल का। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं मिनोक्सिडिल यूज कर रहा था, काफी सारी मैंने वीडियोस की थी, तो वो चैनल किसी रीजन के कारण टर्मिनेट हो गया। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो कंप्लीटली इसका रिव्यू करते हैं, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, तो ये इंटास कंपनी की मोर एफ 5% मिनोक्सिडिल। जैसा कि इसमें आपको पता है कि फिनेशाइड भी देखने को मिल जाता है साथ में, इसकी सिंपल मिनोक्सिडिल अलग से आती है। तो ये मिनोक्सिडिल हो सकता है आपको हेयर लॉस हो रहा हो, डॉक्टर ने तब आपको प्रिस्क्राइब की हो। इसकी क्वांटिटी की बात करें तो 60 ml आपको क्वांटिटी देखने को मिल जाती है, जिसका प्राइस रहेगा 620 या 670 के आसपास रहता है। तो इसके अंदर मतलब बात करें तो क्या मतलब किस वजह से आपको देखने को मिल जाता है, तो अंदर आपको एक बोतल देखने को मिल जाती है, बोतल के अलग सा कैप लगा हुआ रहता है, बट ये मैंने अभी ड्रॉपर लगा रखा है इसमें। और एक आपको साथ में स्प्रे देखने को मिल जाता है, तो स्प्रे मैं यूज़ नहीं करता, आपको ड्रॉपर यूज़ करना चाहिए। और साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से ये कम्प्लीटली पैकेजिंग आ जाती है इसकी। अब इसका वर्क क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ, और ये काम कैसा करती है मैंने पर्सनली यूज़ किया, उसी के बाद बता रहा हूँ। और काफ़ी ज़्यादा ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, काफ़ी लोग भी यूज़ कर रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं हेयर ग्रोथ में। तो इसमें आपको मिनोक्सिडिल 5% में देखने को मिल जाती है, जो क्या काम करती है, एक आपकी स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन हाई करती है, आपकी स्कैल्प की नर्व्स को चौड़ा करती है, जिसके कारण आपकी स्कैल्प में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो पाती है, फिर आपके केस ग्रो करने लग जाते हैं। आप ग्रो करने का टाइम ऐसा नहीं कि लगाना स्टार्ट की ग्रो करने लग जाएंगे, आपको 6 month लग जाते हैं, 3 month तक की शेडिंग रहती है, 3 से 4 month की, उसके बाद आपको न्यू हेयर आते हुए देखने को मिल जाते हैं। और इसमें आपको फिनेशाइड देखने को मिल जाता है, फिनेशाइड 0.1% में। ये क्या काम करता है, ये डीएसटी को ब्लॉक करने का काम करता है। आपका एक टेस्टोस्टेरोन रहता है, वो डीएसटी में कन्वर्ट होता है। अगर आपकी स्कैल्प पे डीएसटी बन रहा है, तो उसके कारण आपकी स्कैल्प से हेयर लॉस होने लग जाएंगे। तो फिनेशाइड यही वर्क करता है, ये डीएसटी को बनने नहीं देता। तो अब आप इन दोनों को कॉम्बिनेशन में लगाते हो, सिंपल भी आती है मिनोक्सिडिल 5% में, और एक कॉम्बिनेशन में भी आती है, ये कॉम्बिनेशन में, इसमें फिनेशाइड आ जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन में वर्क करेगी, जिनको जैसे कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया वगैरह हो रहा है, ठीक है, मतलब मेल पैटर्न बाल्डनेस हो रही है, वो इसको यूज कर सकते हैं। अब नॉर्मली कुछ लोगों को क्या रहता है, स्ट्रेस के कारण हेयर लॉस होने लग जाता है, तो उसमें क्या है, मतलब सिंपल मिनोक्सिडिल आपको दे देते हैं, या ओनली मल्टीविटामिन्स भी दे देते हैं। अगर आप मिनोक्सिडिल लगाना अभी स्टार्ट ही करने वाले हो, तो आपको डॉक्टर इसको 2 times लगाने को बोलेंगे, एक तो दिन में लगाने को बोलेंगे और एक नाइट में लगाने को बोलेंगे, फिर नेक्स्ट डे भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे कि मान लो फर्स्ट डे आप लगा रहे हो, आपने शैम्पू किया, नेक्स्ट डे भी आपको बिना शैम्पू किए इसको लगाना होगा, 2 times लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जरूरी रोज़ आप शैम्पू करोगे, अगर आपने गंज निकलवा रखी है तो आप रोज़ शैम्पू भी कर सकते हो, नॉर्मल पानी से भी धो सकते हो, जैसा आपका रूटीन रहता है धोने का, वैसे आप अपने हेयर्स को वॉश कर सकते हो। अब इनमें क्या रहता है, अल्कोहल भी रहता है, तो उसके कारण क्या है, कुछ लोगों को इचिंग वगैरह भी होने लग जाती है। तो आप डॉक्टर की गाइडेंस में रहना, उससे क्या रहता है, आपको कुछ एंटी डैंड्रफ शैम्पू दे देते हैं, लोशन वगैरह भी साथ में यूज़ करने को दे देते हैं, जिससे आपकी स्कैल्प में इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता। आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिनोक्सिडिल को यूज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि खुद से ही बाय कर रहे हो और खुद से परचेज कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, इससे आपको बाद में मतलब साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, या हो सकता है आपको नीड ही ना हो फिर भी आप यूज़ कर रहे हो। तो इसलिए डॉक्टर की गाइडेंस में रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और मिनोक्सिडिल के साइड इफेक्ट्स की बात करें, तो अगर आप स्टार्टिंग में लगाना स्टार्ट करते हो, तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा हेडेक वगैरह देखने को मिल सकता है, और कुछ लोगों को मतलब जैसे कि डिप्रेशन वगैरह भी कुछ लोगों को इससे देखने को मिल जाता है मिनोक्सिडिल से। अब मुझे नहीं पता क्यों होता है, ये भी होता है, तो काफ़ी लोगों की हार्ट बीट भी तेज़ होने लग जाती है जब आप इसको स्टार्टिंग में यूज़ करना स्टार्ट करते हो। तो यही मतलब है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं, और बहुत रेयर केस में कुछ लोगों को फेस पे स्वेलिंग भी आ जाती है। तो ऐसा ये सब आपको स्टार्टिंग में मतलब 1-2 दिन के लिए, 1-1 hour के लिए देखने को मिल सकता है, बट उससे ज़्यादा रहता है या आपको कंटिन्यू ये चीज़ रहती है, तो आपको अपने डॉक्टर को बोलना चाहिए। और इचिंग वगैरह भी आपको होती है, तब भी आप डॉक्टर को बोलना, आपको एल्कोहल फ्री मिनोक्सिडिल भी दे सकते हैं डॉक्टर, उससे क्या रहता है, आपको इचिंग वगैरह भी नहीं होगी। अब इसको लगाना कैसे चाहिए, आपको इसको 1 ml ही यूज़ करना है, ना ही 1 ml से ज़्यादा यूज़ करना है, ना ही 1 ml से कम यूज़ करना है। तो इसके अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ, इस वजह से बोतल आ जाती है, तो यहाँ पर ड्रॉपर में आपको साइन देखने को मिल जाता है, जैसे कि 0.5 ml और 1 ml का, तो उस वजह से आपको ओनली 1 ml यूज़ करनी है। ये ऊपर यहाँ तक आप साइन देख सकते हो, ये 1 ml का साइन है, तो यहाँ तक आपको यूज़ करनी होती है, ना ही इससे ज़्यादा आपको यूज़ करनी, ना ही इससे कम यूज़ करनी, इतनी आराम से लग जाती है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, यहाँ साइडों में लगाने लग जाते हैं, यहाँ पे आपको मिनोक्सिडिल को बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ना ही यहाँ पे यूज़ करना, आपको टॉप पे यूज़ करना है। अब मेरे हेयर्स इतने लॉन्ग हैं, तो मैं अच्छे से पैटर्न करके मिनोक्सिडिल यूज़ करता हूँ, बैक में भी आपको मिनोक्सिडिल को यूज़ नहीं करना, सिर्फ इतने एरिया पे आपको यूज़ करना है, ठीक है, जो ये राउंड एरिया रहता है, यहाँ से ही मेनली बाल उठते हैं, साइड के बाल
निकाल नहीं जाती। यहाँ कॉर्नर पे थोड़ी एक एक ड्रॉप लगा सकते हो आप, ठीक है, एक एक बूंद को यहाँ पे लगा सकते हो आप। सिर्फ लगाई एक बूंद और अच्छे से मसल दिया, इस वजह से बीच में आपको अच्छे से लगाना है, हेयर्स पे नहीं लगानी, स्कैल्प पे लगने से ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और बाकी इस मिनोक्सिडिल के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और डॉक्टर की गाइडेंस में रहना। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। इंस्टा फॉलो कर लेना, कोई भी क्वेरीज रहती है, आपको मेरा प्लान लेना है तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज करके ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।